ताकि खाते हुए युवाओं की तस्वीरें जरा दिखाई दे। केसी जैन साहब, प्रयागराज में पिटते हुए युवा, रोजगार मांग रहे हैं, आप लाठी चला रहे हैं, ये तस्वीरें आपको विचलित करती हैं? ये चीखे, देखिए मैं गणतंत्र की बात कर रहा था, देखिए ये गणतंत्र, गन से ये कौन सा तंत्र चल रहा है? रोजगार मांग रहे हैं आप, उन्हें पीट रहे हैं। चावला जी, इस उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी इसके पहले रही, वो सरकारी डाटा, सरकारी आंकड़ा है, 2,40,000 नौकरियां इन्होंने पूरे 5 साल के शासन काल में दी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, सुन लीजिए मेरी बात आ जाए, इसमें समाजवादी पार्टी, आप RRB NTPC परीक्षा के मामले को लेकर कह रहे हैं ये समाजवादी पार्टी का जिम्मा है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। अब चीजें सरकार के हाथ में नहीं, अगली सरकार बनेगी। देखिए चावला जी, सारी नौकरियों का प्रोसेस अलग अलग होता है, तो कई बार वैकेंसीज में ये भी होता है कि वैकेंसीज को जानबूझ करके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के डिले किया जाता है और आरोप लगता है सरकार पे। आप ये भी जानते अच्छी तरीके से, 2019 से पहले आपने चुनाव में भर्ती निकाली, 2022 आ गया, आप वो भर्तियां पूरी नहीं कर पाए, 35,000 से ज्यादा वैकेंसी, 1,26,00,000 से ज्यादा आवेदन, आप भर्ती पूरी नहीं कर पाए और अब छात्र पिट रहे हैं रोड पे, फिर भी आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की गलती है। 3 वैकेंसीज में लेट क्यों हुआ? अगर कुछ वैकेंसीज में लेट लतीफ हुआ है, उसके कारण आपके पास होंगे, मेरे पास का डिटेल नहीं है कि किन कारणों से लेट हुआ, नहीं मैं उसका भी आपको सामने डिटेल लगता। मैं बता रहा हूँ आपको 69,000 भर्तियों के बारे में, इसलिए बता रहा हूँ कि उसमें कई बार बच्चे हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, उसमें इसलिए लेकर के आए कि कमेटी नहीं नौकरी चाहिए। आप कमेटियां गठित करिए लेकिन नौकरी कौन देगा, ये अपने आप में एक सवाल है। कमेटियां बनती हैं, कमेटी मुकर्रर होती है, वक्त गुजरता है, चुनाव बीत जाता है, लेकिन नौकरी नहीं मिल पाती। मुझे ये बात बताइए, अगर आप कह रहे हैं बेरोजगारों की पीड़ा, आज आप लाठी खाते हुए युवाओं को देखकर आप आज आंसू बहा रहे हैं, कपीश श्रीवास्तव जी दिखाओ सुमित एक बार, ये लाठी खाते हुए युवा जो हैं आज आपको रुला रहे हैं, आंसू रुला रहे हैं, आप रो रहे हैं। आप अपने घोषणा पत्र में, विजन डॉक्यूमेंट में, त्याग पत्र में, जो भी नाम देते हैं, आप ऐलान करिए ना कि पहली कलम मेरी, जैसे एक 21 साल 31 साल के लड़के ने चुनाव का एजेंडा फिक्स किया था बिहार में किया था, तो आप एक एजेंडा फिक्स करिए कि अखिलेश यादव की पहली कलम चलेगी तो मैं इतने युवाओं को रोजगार दूंगा। आप लोग ये एजेंडा क्यों नहीं फिक्स करते? आज आपको रोते हुए युवा दिखाई देते हैं, लाठी खाते हुए युवा दिखाई देते हैं, दिखाओ सुमित, आप बोलिए कपीश जी। देखिए चावला साहब, वो घोषणा होने जा रही है, अभी हमने IT के अंदर 22,00,000 नौकरियों का जिक्र किया है कि जो 69,000 शिक्षकों के साथ बदसलूकी की गई है, अन्याय किया गया, समाजवादी पार्टी उनकी अपनी सरकार बनते उनको समायोजित करेगी, और साथ ही 72,000 शिक्षक के भी लोगों को, यहां तक कि जो हमारे एम्बुलेंस के कर्मचारी थे, अनुदेशक थे, CPET BPET वाले थे, सबको कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि आपको आते ही हमें नौकरी देनी है, और कुछ घोषणा ऐसी है कि जो मुझे पता है लेकिन हम अभी नहीं कह सकते। आज लाठी खाते हुए छात्रों की तस्वीरें भी सवाल खड़ा कर रही है। एक मुद्दा वो जिसके लिए देश की मीडिया चिंतित है कि अमित शाह जाटों को मना रहे हैं, लेकिन दूसरा मुद्दा एक देश का यह भी है जहां पर छात्र लाठी खा रहे हैं, उन बेरोजगारों की आवाज कौन उठाएगा जो राष्ट्रहित के नाम पर रोज हंगामा काटते हैं? क्या उन्हें लाठी खाते हुए छात्र दिखाई नहीं देते जो राष्ट्रहित के नाम पर रोज हिंदू और मुसलमान को लड़वाते हैं? मुद्दा लाठी खाते हुए युवा, लाठी खाते हुए बेरोजगार, लाठी खाते हुए रेलवे में भर्ती की मांग कर रहे नौजवान,